सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते समाज के कुछ लोग बार बार झूठी एफआईआर दर्ज कर परेशान करने में लगे हैं। वहीं पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बिना जांच पड़ताल किए अगर प्रजापति समाज के खिलाफ कोई एफआईआर करे तो उसे करने में देर नहीं लगती। दरअसल काकागंज में किसी महिला के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर मोतीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी दर्ज कराए गए जो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। पीड़ितों के मुताबिक लगभग 20 वर्ष पुरानी रंजिश के चलते जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, बार बार वह लोग इसी तरह हम लोगों की झूठी एफआईआर कराकर परेशान करते हैं। मामले में निष्पक्ष जांच उपरांत कार्रवाई हो, इसके लिए हमने थाना प्रभारी को आवेदन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आप थाने आए हुए थे, क्या मामला है? ये झूठी रिपोर्ट कर दी है हमारी, हम तो भट्टे पे थे अपने, नई गल्ला मंडी के पीछे बिहारीपुरा रोड पे हमारा भट्टा है, वहाँ थे हम। ये कौन लोग हैं जो आपकी एफआईआर दर्ज कराते हैं? ये हरिचंद प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, सुदीप प्रजापति, ये लोग करवाते हैं। क्या कारण है कि ये आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पैसों की डिमांड कर रहे हैं आपसे? नहीं, पैसे की तो नहीं, वो दबाव बनाते हैं। किस चीज़ का? उनमें लड़बे की और सब झूठी रिपोर्ट है। सिटी कोतवाली में एक बार हमारी रिपोर्ट करी थी उनमें झूठी, दो तीन बार मोतीनगर में कर चुके हैं, वो केस भी चल चुका है। कोई रंजिश है आप लोगों की? पहले बहुत पहले 20-30 साल पहले एक झगड़ा हुआ था हमारे बड़े भाई का और हम लोग उनके से, वही रंजिश पाले हैं, वही रंजिश पाले हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? 20 से भी जा होगा हो नहीं, अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई, बहुत ही जो सच है। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की तो फिर क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, बदर और एसपी साहब के जाएगी। आज मैं और मेरे चाचा श्री महेश प्रजापति नई गल्ला मंडी में ये थे और मैं हरियाली बाजार पथरी हाट खुराई रोड पर था। मुझे फ़ोन के माध्यम से पता चला, मोबाइल के माध्यम से, कि काकगंज में हमारे चाचा के लड़के ने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार या मारपीट या कुछ भी ऐसी जानकारी लगी तो उसमें हमने कहा दोषी को थाने में हम लोग इसलिए आए हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। पर जो पार्टी है हर बार की तरह इस बार भी झूठे नाम हम लोगों को लिखवाती है। 2021 में होली के टाइम पर हम लोग अपने CCTV फुटेज की निगरानी में थे और आज भी थे, तो उनका सीधा सीधा रहता है कि पुलिस के माध्यम से दबाव बनाती है और समाज में एक भय का माहौल और एक द्वेष का माहौल पैदा करते हैं। पूर्व में नाम लिखवा दिया है FIR में जी? नहीं, पूर्व में आपका क्या विवाद था कि वो आपका नाम लिखवाते हैं? पूर्व में विवाद कुछ नहीं था, 20 साल पुराना विवाद था, पिताजी के समय का विवाद था। पर मैं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन मुख्य महासचिव हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो उनको जलन भावना रहती और द्वेष भावना रहती, उसी के तहत ये लोग अलग अलग आरोप लगाकर मुझे फंसाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अभी आपने यहाँ पर आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। थाना मोतीनगर में जब भी प्रजापति समाज की कोई भी रिपोर्ट आती है जल्दी से लिख ली जाती है बिना जाँच किए, जबकि ये भी नहीं पूछा जाता कि इसमें कोई दोषी है अथवा नहीं है। तो पुलिस की कार्रवाई हम लोगों को व्यवहार पूर्ण नहीं लगी। घटना के समय कहाँ थे आप? घटना के समय मैं हरियाली बाजार के पीछे पथरियाहाट गांव में अपने फार्म हाउस पर था। कुछ साक्ष्य हैं कि आप वहाँ उपस्थित जी? हम CCTV फुटेज की निगरानी में थे, जो हमारी कार खड़ी रहती, लाइट जाती है उतने समय को बंद होता है, बाकी हमारी 24 घंटे CCTV फुटेज में। अभी कोई आश्वासन दिया है TI साहब ने? हाँ, TI साहब ने अभी आश्वासन दिया है, इसमें जाँच करवाएंगे और यदि आप लोगों के नाम नहीं होंगे तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी।